मनीष भाई जी तुहानू हुण पता लग्गिया चाय के कॉफी है सामने वाले बाइकर जो थोड़ा जा गलत आ रहे थे। मैं सुनो जी ए छोले सांबर हाँ जी गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल वड्यां नूं प्यारी पौना छोटियां नूं प्यार बाकी सारियां नूं बहुत ज़्यादा दुलार। सवेर तुसीं व्यू देख लिते ने इस टाइम मैं हैगा वहाँ लेक दे उत्ते और साड़ी एक अज संडे है और साड़ी अज एक राइड है ओहो साडे राइडर्स आए हैं सो असीं हुण राइडिंग दी जिहड़ी है वो शुरुआत करन लगे हाँ। बड़ी देर बाद एक सारे इकट्ठी राइड हो रही है लोकल राइड है कुछ ज़्यादा देखने नूं मिलेगा नहीं मिलेगा मैनूं इस बारे नहीं पता। फिलहाल हाले सारे हौली हौली आ रहे हैं मैं थोड़े जे व्यू तुसीं पहले देखी है तो अज देखते हैं अज की एडवेंचर रहिंदा वैसे तो मिलते हैं जी तुहानू तो बने रहो मेरे नाल और वेलकम बैक टू माई चैनल हरप्रीत भाटिया सटेन। आओ जी आओ भाजी सत श्री अकाल की हाल चाल देख लो जिद्दां ही कैमरा कढ़िया सब तो पहले तुहानू लैण होर ठीक ठाक जी बहुत बढ़िया जी क्लास आओ जी हेलो सत श्री अकाल जी। सो लो जी हौली हौली बाइक्स जिहड़ियां ने बाइकर्स पहुँच गए अपने तादार वधी जा रही है तुसीं देख रहे हो संडे है इस करके संडे सारे अवेलेबल रहिंदे है जी और दूसरे पासे हाले उस पासे तुसीं देखोगे की चल रहे उधर टीस्टा चल रही हैं। सो असी अपनी टी शर्ट्स लै चुके हैं और सारे अपने जड़े नाम ने अपने रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक राइड जी शुरू हो जाएगी। हूँ काफ़ी हो चुकी है मेरे किताबन 100-120 तो हो ही चुकी हैं बाइक्स क्यों वंश 100-120 जड़िया ने वह बाइक्स हो चुकिया ने तो ये चल रहा है जी पीस्टा वंडन का दौर। ये जी राइड है जी ये केंद्रीय आयुर्वैदिक जरा अनुसंधान संस्थान है उन्होंने वालों की उन्होंने गड्डी है सो उन्होंने ऑर्गेनाइज की है जी राइड है ये लेक तो जी है उस सैक्टर 46 धनवंतरी कॉलेज जाएगी और ये तुम देखो कि इतने बाइक्स लग चुकी हैं और अलग अलग ग्रुप्स ने जोड़े वो सारे ग्रुप्स से अलग अलग ग्रुप्स से जोड़े ने राइडर्स आए हैं। मेरे साइज ही आ चुकी है मैनू भी डबल एक्सल मिल गया है टेंशन है लो तुम फिर खाते पीने घर के बंदे लगन गए इन्हें तो सही गई ना बंदा खंड भी तो कर राइड वाले शुरू नहीं पहले टी ब्रेक जिन्हें जिन्हें चाह पी नहीं आ जाओ सारे फोटो दस रुपए दस रुपए बस लो जी चाह चक्की जाओ अपनी शर्माना नहीं है चाय 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 दोबारा बोलो ठीक है जी चाय 10 रुपए मटीरियल एक्स्ट्रा चार्जेस 5-5 रुपए ये अपना डिस्काउंट नहीं कर रहे बीच में दोनों है दोनों है दोनों है। मनीष भाई थानू पता लगे चाय है कॉफी है मेनू टेस्ट तो पता नहीं लगे भैया ने अच्छी बनाई है भैया
है तो चाह बस थोड़ी थले लाती अगे रहे तो आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने राइड करवाई थी और लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे कि राइडर्स से ऊपर कुछ नहीं आज डेट में प्रमोशन के लिए गुड थिंग फॉर राइड हमारे लिए अच्छी चीज है क्योंकि सो लो जी ब्रीफिंग हो चुकी है और आप जा रहे हैं सेक्टर 46 धनवंतरी कॉलेज और हूँ असं अपनी बाइक्स लैन लगे हैं तो जड़ी है ओ टू रोज़ बना के आप चलेंगे तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है बट हाँ मेरे नाल वंश है सो मेरी वीडियोग्राफी चलती रहेगी और बने रहो मेरे नाल अपनी राइड हूँ स्टार्ट होने लगी है साढ़े अगे जी है तुम देखोगे उधर एम्बूलेंस लगी है और एम्बूलेंस अगे लगा के एम्बूलेंस सू लीड करेगी नाले चार मार्शल्स हैं साढ़े अगे तो पिछे सारे राइडर्स ने दो लेन बनगिया दो लेन के जो आप चलेंगे ना खैर पुलिस भी है साढ़े ना लगे ताकि ट्रैफिक कोई दिक्कत ना आए और राइड आप हूँ जी है बस वो हरी झंडी दे के फिर शुरुआत कर लगे हैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट वालों राइड हैगी है और सैक्टर 46 धनवंतरी कॉलेज जाएगी तो तुम देखोगे हर तरह की राइड जड़ा बाइकर है इतने पहुंचा होया बस हूँ चाह चू पी लीती है तो बस हूँ स्टार्ट है प्रोग्राम चल 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 चलो चलो रमणीक भाई लो जी हूँ आप लाइनअप होने लगे हाँ अगे की जड़ी हरी झंडी दी जाएगी अगे हरी झंडी देके जड़ी है स्टार्ट किया जाएगा प्रोग्राम आपा लगा ली पिछे एरे साढ़े अमन भाजी सत श्रीकाल बुलाओ सो अमन भाजी ने सत श्रीकाल बुला दी सारे नू आगे हरी चंडी है हरी चंडी के बाद हम निकलेंगे यहाँ से बाइक स्कूटी सब कुछ है विच्चे ही सो लो जी स्टार्ट हो चुका है अपना राइड होगी स्टार्ट साड़ी और लाइनअप के डिसिप्लिन के नाल आपां जावांगे क्योंकि होर किसी नूं भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए सो आपां लाइन के रवांगे सवेर का टाइम है इस करके रश जिहड़ा है वह बहुत घट है ये भी ठीक है स्पीड जिहड़ी है नॉर्मल रखी हुई है सारे ने मार्शल्स मैं तुहानूं दस देना मार्शल्स की होंदे मार्शल्स होंगे कि जो आस पास जो ट्रैफिक है उन्होंने क्लीयर करवाते रहते हैं और दूसरी गल कि लाइनअप का ध्यान रखते ताकि कोई लाइन च बाहर ना जाए सो साढ़े इस राइड वास्ते टोटल चार मार्शल्स ने और जोड़े कि कितने रुकना है कितने चलना है वो तुम अगे जो है वो दसते रहेंगे साढ़े अगे जी एम्बूलेंस चल रही है और आप लेक तो चले हाँ और मज़ा आ रहा ग्रुप राइडिंग करके भी मज़ा आता है खैर लोकल राइड है लोकल राइड वैसे बड़ा मज़ा आता है ग्रुप राइड
लो जी हुण फाइनली हौली हौली दो लाइना बन गई। एक्चुअली पता की जो शुरुआत होंगी है ना उदो थोड़ी जी एडजस्टमेंट करने दिक्कत आती है, बट हूँ दो रोज बन गई हैं। इसी दो रोज भी जड़ी है वो अपनी राइड चलेगी और इस टाइम सवेर का टाइम है, शांत माहौल है और दूजी गल ये कि ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा नहीं है, तो इस करके जी नॉर्मली जिन्या भी राइड्स होंगे वह सवेरे ही होंगे है, तो फिर राइड करने का नज़ारा भी पूरा आता है एवी। और हूँ की आ चीज़ है तुम देखोगे कि अगे साढ़े जिमें एम्बूलेंस लगी हुई है यही और पिछे एक पुलिस की जीप है, ये हमेशा जो भी कोई राइड होंगी है उद्दी परमिशन वगैरह लैनिया पैंती है, सो ये परमिशन लैके राइड प्रॉपरली की जाती है। ये वैसे भी केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान वालों राइड है। और सवेर का समा सामने वाले बाइकर जो थोड़ा जहा गलत आ रहे थे, मैं खैर सतनाम भाजी को कहता है कि भी वह करण नाल गल्ला मार रहे हैं, पिछले बंदे ने हैलमेट भी नहीं पाया होया, गलत है वैसे, नैक्सट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा जाए क्योंकि पिछले बहुत बाइकर है, एक ब्रेक वजन के ना सारे एक दूजे च वसते हैं। हालांकि स्पीड जी नॉर्मल हैगी है, तो आप पहुँच चुके हैं जी चंडीगढ़ का सैक्टर 17 का मटका चौंक, जिते अक्सर तुम देखोगे कि कोई ना कोई मोर्चा लगे ही रहा। वैसे दस रहा मैं नॉलेज वास्ते, बाकी साडा चंडीगढ़ देखो बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारे पासे। और इस टाइम कैमरे का व्यू जरा बहुत प्यारा आ रहा है, हालांकि कई ने बिच स्पीड खिंची हुई है बट खैर ठीक है नॉर्मल, वो निकल गए बाहर निकल गए देखो तो। एनीवे चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद वो राइड के बीच नाल नहीं सीगे मेरे कहना शायद ता ही है, अदरवाइज साडे ग्रुप के बीच ऐसा नहीं होंदा कि विदाउट राइडिंग गेयर्स और विदाउट हैलमेट तुम देखो कि उन्होंने इन्होंने अगर पिछले कोई बंदा बैठा है तो उन्होंने हैलमेट पाया हुआ। सो इस तरह करके जड़ा है वो बड़े डीसेंट तरीके दे नाल ही असीं राइडिंग करते हैं। तुसी देखोगे मार्शल का की फायदा, हूँ तुम देख रहे हो हालांकि सामने रेड लाइट है, बसिस लगी है, मार्शल जड़े तुसी देखो इस साइड इन्होंने हूँ ट्रैफिक रोक लिया। ये फायदा होंगे कि इन्होंने काम है कि ट्रैफिक नू रोकना और जी राइड है उन्होंने कंटिन्यू रखना, तो इस करके जड़े जिम्मे हूँ देखो इन्होंने रोकया, मार्शल का यह रोल होंगे क्योंकि राइडिंग जड़े ने राइडर ज़्यादा होंगे ने, और अगर माड़ा जहाँ भी किसी ने कोई गलती की तो एक दूजे उत्ते आप बच सकते हैं, बट खैर इस करके चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पैंदा। असी पहुँच चुके हैं सैक्टर 22 और 23 वाले पासे और असी जाना है सैक्टर 46 रूट वास्ते, अगे जड़ी गड्डी लगी हुई है और आस पास का देखो सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए खूबसूरत तरीके दे नाल। आप हूँ मुड़ चुके हैं सैक्टर 43 जड़ा है वो बस स्टैंड के सामने आप निकल रहे हैं और आप जा रहे हैं सैक्टर 46, ट्रैफिक रोक चुका है साढ़े वास्ते और बराबर दे विच सारे चली जा रहे हैं, सूरज चढ़ चुका है। हूँ देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है जो लाइन के बीच आ रहा है, कितना प्यारा, हालांकि मेरे नाल कोई नहीं है बट कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस टाइम जड़ा है। इतने थोड़ा जहा ट्रैफिक जड़ा वो ज़्यादा जरूर होएगा बट ये भी इतने स्लो रखा है, ये जड़ा गड्डी वाला एक्चुअली बेसिकली ना ये बड़ा गलत चला रहा सीगा, बट एनीवे खैर साइड से लग चुका है। हूँ इतों की सैक्टर 46 जाना है, मेरे ख्याल हार्डली 1.5 किलोमीटर पेगा, अपन कोई ज़्यादा लंबा चौड़ी गलबात नहीं है। ऑटो वाला रस्ते आ चुका है, पर ऑटो वाला जी साइड पर हो जाओ भैया जी, साइड पर चला लो बाइक के पीछे, डर गया वो बेचारा, डर ही गया, मेरा डराने का मकसद नहीं सीगा, मैं एक्चुअली पिछले बाइक्स आ रही थी उन्हें बिल्कुल विचकार कर लिया सीगा, साइड से रख सकता सी ता करके मैं रोकया, और ऐसी कोई गल नहीं। आप जा रहे हैं शिमला और देखो उपर मजाक कर रहा मैं,
एक्चुअली ये हूँ अगे हैगी बसा, सो बसा करके जरा थोड़ा जा रौला रहेगा। वैसे बड़ी देर बाद योजी एक मैं राइड कर रहा जिस हूँ इन्ने बंदे हो रहे, पहले खैर बहुत की उदो मैं ब्लॉग शायद बनाया हो या नहीं बनाया मैंने याद नहीं, एक दो ब्लॉग मेरे बने हुए हैं। अज संडे सीगा सो संडे नूं टाइम भी हुंदा यार अपने कोल, ते आपां क्या चलो कर लिए एक ब्लॉग स्टॉक बना लिए तुहाडे सारे वास्ते। लो जी विच दे विच सारे गड्डियां लगी जांदियां ने पर कोई चक्कर नहीं। हालांकि पिछे रेड लाइट सी की पर मार्शल्स ने जो ट्रैफिक रोक दिता सी, तुम देखो कि इधर 45, 50, 46, 49, 47, 48 अपनी जड़ी मंजिल है वो सैक्टर 46 है। इस रोड से आके वैसे ही मजा आ जाता क्योंकि मेन रोड हैगी है, ज़्यादा खच खच नहीं हैगी इस रोड के जो बाइकों की आवाज़ आती है इस टाइम तुम आई होप कि तुम इस आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बाइकों की आवाज़ जी है टक 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 पूरा एकदम अलग ही साउंड आ रहा, पूरा नज़ारा आ रहा सवेरे राइड करन दा। तो उत्थे पहुँच के साढ़े वास्ते एक वधिया कहते ब्रेकफास्ट है, उत्थे जाके तुम दिखावांगे उत्थे की सीन है। तो बस हुण उत्थे आपां नेड़े ही हाँ, ज़्यादा लंबी राइड नहीं है। इस तरह करके देखो रेड लाइट है पर कोई चक्कर नहीं ट्रैफिक रोकता क्योंकि साढ़े वास्ते सारे का रुकना बहुत मुश्किल होंगे, इस करके आप रोकते हैं अदरवाइज ऐसी कोई गल नहीं है। ओहो आराम से आराम से। इतों की हूँ अगे पता लगेगा किधर जाना है, जावांगे लेफ्ट वाले पासे। अच्छा है उधरों की घूम के आवांगे। ओके ओके सो तुम देख रहे हो जो हाथ किया जा रहा है इस साइड वाले पासे, तुम देख रहे हो कि इस साइड जो हाथ हो रहा है ये इशारा हो जाता है भी किस साइड आप टर्न करना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, जिधर का हाथ होएगा उधर का होंगे। धनवंतरी कॉलेज जिथे साडी राइड खत्म होनी सी, तुसी देखोगे पिछे सारे पासे सारे बाइकर्स जिहड़े ने पहुंच चुके हैं और इधर हुण जिहड़ा है उह साडे ब्रेकफास्ट दा इंतजाम है। आज तुहानूं दिखाईए ब्रेकफास्ट च की है, तो हाले आई थिंक कॉलेज बन भी रहा है वाला, मैं पहले मतलब समझ नहीं आ रही की कहना बाद च कहना। साउंड बहुत वधिया भाजी उहदी 650 है ना रोज, बहुत प्यारी साउंड है, बहुत प्यारी साउंड है। लो जी आओ जी आओ यार ठीक ठाक एक्चुअली आयुर्वेदा डे। अच्छा हूँ साड़ी नज़र पई है सो एरी बाइकर्स रैली तुम देखोगे सामने, ये रहा पूरा पोस्टर, फोटो मैं खिंचा दूंगा पर हूँ मैं सामने बनावांगा ब्लॉग बस। लो जी हूँ आप करांगे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट की है तो मैं बाद दसदा पहले मैं लाइन च लग जाता वा। सो लो जी ये छोले सांबर इडली और कुलचा पोहा एंड सैंडविच, इस तो अलावा चाह भी है और एक होर भी चीज़ है, पहले मैं फिनिश कर ला तो तुम देखो कि इधरले पास सारे हम सारे लाइन च लगे हैं। सो इस ब्रेकफास्ट करके फिर तुम मिलते हैं जी, तो दसदा टेस्ट कि है।
ਓਕੇ ब्रेकफास्ट आप कर लिया बहुत वधिया सीगा हर एक चीज़ बड़ी टेस्टी सीगी और इस ब्लॉग से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीखा बट मैंने ये सीखा कि चलो आज राइड है तो एक छोटा जहा ब्लॉग बनाया जाए आई होप तुहानू पसंद आएगा सो अगे भी होर तुहानू होर वधिया वधिया ब्लॉग देखने को मिलेंगे सो काइंडली लाइक शेयर एंड सबसक्राइब माई चैनल हरप्रीत भाटिया 13 बाय